हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। सो जैसा कि आपको पता है, कल मैच होने वाला है वेस्ट इंडीज़ से बीसी श्रीलंका ए के बीच में। तो इस मैच का जो ये जो अनऑफिशियल मैच है, इसलिए जो स्कोरिंग अपडेट टाइम टू टाइम नहीं मिल पाता है, ठीक है। और न्यूज़ भी बहुत ही जो आप कह सकते हो, बहुत ही मुझे स्ट्रगल करने के बाद मिला है, इसलिए मैं आपको ये टीम दे रहा हूँ। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, मैंने बहुत ही मेहनत किया है, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब कर दिया है तो नोटिफिकेशन बिल को भी क्लिक कर दो, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ ड्रीम इलेवन टीम, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। बात करते हैं विकेट कीपर से। विकेट कीपर पर आपके पास सदीरा बहुत ही अच्छे ऑप्शन होंगे, और वो खेलेंगे, वो उसका जो चांसेस है बहुत ही ज़्यादा है। और आप चाहें तो यहाँ पे हिमिलेटोन को भी ले सकते हैं, अगर आपको क्रेडिट का कुछ प्रॉब्लम होगा तो। और बात करते हैं बैटिंग की। यहाँ पे जो डी सिल्वा कैप्टन है, मैंने उसे लिया है सुनील, और यहाँ पे मैंने असालंका को लिया है, ठीक है। तो इसके अलावा आपके पास कौन से अच्छे ऑप्शन हैं, मैं आपको बताता हूँ। आप चाहें तो यहाँ एंटी मैकेबरी को भी ले सकते हैं, बहुत ही अच्छे बैट्समैन हैं। और यहाँ पे बुक्स को भी ले सकते हैं, ठीक है। और आपके पास यही कुछ अच्छा ऑप्शन रहेगा। और बात करते हैं ऑलराउंडर की, आर कॉनवेल, जयसूर्या एंड काइल मायर्स बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर है, तो आप इनको मिस मत कीजिएगा, ठीक है। और पिच जो होने वाली है, बॉलिंग फ्रेंडली पिच होने वाली है, स्लो पिच होने वाली है, इसलिए आप ज़्यादातर जो कोशिश करेंगे चार बॉलर्स लेने की, तो एस कॉर्नवॉल आपके लिए बहुत ही बढ़िया बॉलिंग है। आपको पता ही होगा अगर आप क्रिकेट फॉलो करते हैं। और अमिला, और यहाँ पे लहरू कमारा, और मैंने रुस्तम बीटोन को लिया है, क्योंकि मुझे पता है इसमें टैलेंट है और बहुत अच्छा विकेट ले सकते हैं। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता, आप चाहें तो यहाँ पर चमिका को भी ले सकते हैं, अच्छा ऑप्शन है, और विकेट भी लिया था उन्होंने। तो कैप्टन की बात करें, कैप्टन कॉर्नवॉल, ठीक है। तो आप चाहें तो यहाँ पे डी सिल्वा को ले सकते हैं कैप्टन, उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पे कैल मार को वाइस कैप्टन बना सकते हैं, या जयसूर्या को, लेकिन मैंने शार्डोन कॉटरेल को बनाया है, क्योंकि मुझे लगता है वो बहुत ही अच्छा विकेट लेगा और बहुत ही अच्छे बॉलर है, और कंटिन्यू विकेट लेते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, ठीक है फ्रेंड। और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि जो पिछला वुमेंस टीम था, हमारा वुमेंस टीम बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, और मैंने जो प्रिडिक्शन किया था करीबन लगभग सही था। और अगर आपने मेरा प्रिडिक्शन देख के अगर टीम लगाया होगा, तो आपने भी बहुत अच्छा विन किया होगा। तो फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में।